पर जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी ब्रेक से पहले कि किस तरह से सियासत में आए, नवाज शरीफ साहब से मिले, नवाज शरीफ साहब का क्या रोब दबदबा था बहुत ज्यादा, या बड़ी चिटचैट अंदाज में मिले, क्या कहेंगे? ये था कि हम जब 2008 में फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई, अच्छा, तो उस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की वो बात बड़ी अट्रैक्टिव, मतलब मुझे वो अट्रैक्टिव लगी और आज तक वही बात पे कायम है। अच्छा, उसी बात को लेकर चल रहे हैं 2008 से। तो उन्होंने कहा था कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना है। सही। पता रोजे माशर चलेगा कि क्या सही था क्या गलत था, कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल सही। तो ये जो वर्ड्स थे ना, ये वर्ड्स बड़े एक मतलब मुझे मतलब आज तक उनकी वो जो चीजें या उनकी जरासीम तो फिर आपके अंदर भी पहले से हुए ना कि आपको वो चीज अच्छी लगी कि हमने मुल्क के लिए काम करना है। देखिए, मुल्क के लिए काम की जरासीम तो हर किसी में होने चाहिए। हाँ। ये तो हम सब में है, हम सब पाकिस्तानियों में है। सही। पाकिस्तान बनने पे अगर हम देखें तो कितनी कुर्बानियां दी गई, कितनी शहादतें दी गई, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी तो ये मुल्क बना। हाँ। मतलब पूरी एक आप ये समझ लें कि एक निफ सदी, मतलब 1847 से आप समझ लें, मतलब 57 से एक जदोजहद चली, उसमें कितने लोग आए, फिर 1906 में मतलब मुस्लिम लीग बनी, फिर 47 में पाकिस्तान, मतलब आप ये समझ लें कि उस 90 साल की मेहनत जदोजहद करने के बाद, लोगों में जज्बा होने के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। तो जज्बा तो फिर उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तो उस कुर्बानियों को आज हम सब हम आप बैठे हैं। तो आज अगर हम यहाँ पे अपने घरों में, दूसरी चीज उसमें ये है कि मैं अक्सर कभी कभी मुझे बड़ा अजीब सा वो होता है, हम बहुत खूबसूरत मुल्क में हैं। हाँ। मतलब इतना खूबसूरत मुल्क है और हम एक मजबूत मुल्क में हैं, मतलब हम ऐसा नहीं है, ये जो लोग जगह पे ऐसा मैसेज दे रहे हैं, हमें कमजोर मुल्क नहीं है। देखो, दो तीन चीजें आपने देखनी है, दुनिया में इस्लामी ममालिक में हमें एटमी कुवतें, इस्लामी कुवतों में हम एक पावर, सुपर पावर की हैसियत रखते हैं। ठीक है। दुनिया की जितने भी आप उसके इस्लामी ममालिक देख लें, उसमें फौजी कुवत दो ममालिक के पास है जी, एक तुर्की के पास है, सेकंड हमारे पास है। बिल्कुल। तो मतलब हम जो हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत, बिल्कुल जी, हम एक मजबूत मुल्क में है और हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पूरी आजादी हासिल है। और आजादी की जहां पर हम बात करें मुसलमान होने की हैसियत से, तो आजादी की कदर शाम के लोगों से पूछें, आजादी की कदर बर्मा के मुसलमानों से पूछें कि आजादी की कदर क्या होती है, आजादी की कदर फलस्तीन के लोगों से पूछें कि क्या गुजरती है।